22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या को मंदिर और मूर्तियों का शहर कहा जाता है। यहाँ लगभग 8000 मठ मंदिर हैं जिनकी अलग अलग परंपराएं और मान्यताएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर पवन पुत्र बजरंग बली का मंदिर है। जी हाँ, इस प्राचीन मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। इस मंदिर के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था ये मंदिर। जी हाँ, इसकी एक बहुत अनोखी कहानी है कि मंदिर के बारे में कहा जाता है और बहुत मान्यता प्रचलित है कि माना जाता है कि भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह स्थान रहने के लिए दिया था। इसलिए अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। अर्थवेद के अनुसार भगवान राम हनुमान जी को यह मंदिर देते हुए कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएगा तो वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और हर वक्त मौजूद रहते हैं। अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। हनुमानगढ़ी को भगवान बजरंगबली का घर कहा जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ साधु संतों का निवास है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभयारामदास जी महाराज के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला ओक अगदन टीला भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कारभार संभाल रहे हैं। यह मंदिर अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ आकर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से सभी तरह के दोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अयोध्या की सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर में एक विशेष हनुमान निशान है। जी हाँ, यह 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है। यह निशान लंका से विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही एक गदा और एक त्रिशूल भी है। करीब 20 लोग हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि स्थल पर इसे ले जाते हैं और सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। हनुमानगढ़ी की गुप्त पूजा भी होती है। जी हाँ, अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में एक गुप्त पूजा भी की जाती है और इसका रहस्य भी गुप्त होता है। यह पूजा सुबह 3 बजे शुरू की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा के दौरान बजरंगबली पुजारियों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। इस पूजा में 8 पुजारी सम्मिलित होते हैं। इसमें श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होती। इस पूजा के बारे में कोई भी पुजारी मंदिर परिसर के बाहर किसी से नहीं बात करता और ना ही किसी से इस विषय में कोई चर्चा करता है। यह पूजा हमेशा गुप्त ही रखी जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।